सो हेलो एवरीवन, एस्पिरेंट्स कैसे हैं? होपफुली सारे ठीक होंगे। सो कैसी चल रही तैयारी? माइंड बोलेंगे आउटस्टैंडिंग। एक गर्दन किसकी हिली है? नहीं चल रही बेटा। एक बात बताऊं मैं, हल्के मत लो। अगर कल को एक या दो नंबर के पीछे रह गए ना, तो पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगे। पूरे साल की मेहनत है जो जाएगी। याद रखना मेरी बात ध्यान से। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर बाई चांस 67 नंबर से थोड़े से कम नंबर रह गए ना, एक दो नंबर, पूरी ज़िंदगी पछताओगे, हाथ मलोगे, दोबारा मौका नहीं मिलता। फिर होता पता कि वही चीज़ें पढ़ पढ़ के ना दिमाग ख़राब होता है। पूरे साल फ्रस्ट्रेट रहोगे कि अगर एक नंबर होता तो क्या पता मैं भी IAS होता। आपके साथ वाली सीट पर बच्चा बैठा है, वही पढ़ रहा है, वो सी सेट में क्वालिफाई करके मेंस की तैयारी कर रहा होगा, आप स्टिल वहीं बैठ गए हैं। रीज़न आपकी खुद की गलती। हल्के में चीज़ों को लेना। आप लोग करते क्या हैं? आप लोग ना वो भेड़ चाल में चलते हैं। IAS वो बनता है जो अलग सोचता है, जिसकी सोच अलग होती है। क्यों इंटरव्यू लेवल पे इतने सारे बच्चे फेल हो जाते हैं? रीज़न, उन्हें वो मटेरियल चाहिए जो अलग सोचे, जो अपना ना सोचे, सबका सोच के चले। बट जब आप तैयारी कर रहे हो, एटलीस्ट आपको इतना तो समझ होने जानी चाहिए कि क्या चीज़ मुश्किल है। आप GS पे फोकस करो, नो डाउट, बट धीरे धीरे यार इसको भी तैयार करना शुरू करो। अभिमन्यु IAS के साथ हमारा ऑलरेडी नया बैच शुरू हो चुका है, जो भी बस स्टार्ट ही हुआ उसके बारे में बताऊंगा आपको। बट आपको डे वन से तैयारी करनी पड़ेगी, मैं भी बता रहा हूँ, वरना आप में और दूसरों में फ़र्क नहीं। अगर फ़र्क नहीं है तो वो बच्चा क्यों ना IAS बन जाए भाई, आप में क्या ऐसा है? फ़र्क होगा, बेटर होगा जब बनेंगे, याद रखिएगा मेरी बात। इज दैट क्लियर? सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉप 5 बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आना। पहले हम परसेंटेज कर चुके हैं, मेरे ख्याल से प्रॉफिट लॉस भी हम क्लियर कर चुके हैं, तो चलिए लेट अस सी। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ सम ऑफ रुपीज 6300 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी डी सच दैट द रेशियो ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड डी। तो ए प्लस डी कितना है मेरे पास? देखो, ए प्लस डी एंड बी प्लस सी कितना होगा? 11:10। देखो भाई, यहीं पे मैं आधा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे? मुझे टोटल कितना दिया 6300, इसको मैं पी ले लूँ, यानी 21p की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 6300। तो पी की वैल्यू कितनी है? तो ये कितना हो गया? 3300 हो गया, और 3000 हो गया। चलो जी, जो वो मेरे को डेटा दिया था इतना तो मैंने सॉल्व कर लिया शुरू में, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया? कंबाइंड शेयर ऑफ बी एंड सी द रेशो ऑफ शेयर ऑफ बी एंड डी। देखो, बी रेशो डी कितना दिया? 8:9। अच्छा, एक और वाइटल इंफॉर्मेशन है, सी रिसीव्स 1560। एक बात आओ बेटा, बी प्लस सी कितना है अपने पास? 3000 है। अगर मैं कह रहा हूँ सी रिसीव्स 1560, सो बी कितना आएगा यहाँ से? 3000 माइनस 1560, यानी सी बी कितना आ गया? 1440। मैं लिख लेता हूँ क्या क्या मेरे पास। सी मेरे पास कितना दिया है? 1560। बी मुझे कितना दिया है? 1440, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास सी रिसीव्स रुपीज 1560, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। बेटा एक बात आई, अगर बी की वैल्यू मेरे पास 1440 है, कितने गुना होगी? क्या 18 गुना हुई या 180 टाइम्स? ठीक है जी, तो ये भी 180 टाइम्स हो जाएगी। सो 18 गुना 9 कितना? 1620। तो अपने पास भी डी भी आ गया, कितना? 1620। अच्छा, अब मेरे को एक बात आओ, 90 प्लस 72, ठीक है। अब मुझे ए निकालना है, तो ए प्लस डी कितना है मेरे पास? ए प्लस डी कितना है बेटा मेरे पास? 3300। सो अगर डी मेरे पास है 1600, थर्टी थ्री हंड्रेड माइनस 1620, सो ए कितना आ गया मेरे पास? क्या 1680 आ गया? इजंट इट? यस। तो मुझे अब क्या निकालना है? ए माइनस बी निकालना, आई थिंक बिटवीन ए एंड बी। सो ए माइनस बी यानी 1680 माइनस 1440, 2 4 0। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है, इसका आंसर डन। तो ये सोचने वाला क्वेश्चन था और करने वाला क्वेश्चन था, बट ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये है भाई बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन।
द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय मेल एंड फीमेल इन ऑफिस ए एंड बी. चलो भाई ए में टोटल, मतलब ये मेरे को टोटल का डाटा दिया हुआ. मैं मानता हूँ 2x है और ये कितना है 3x है, ठीक है. द रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन ए एंड बी, देखो ए एंड बी में फीमेल, इसको मान दो वाई और ये कितना हो गया 2y, ये कितने फीमेल. माफ कीजिएगा, सॉरी. एंड द रेशियो ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय इन ए, यानी फीमेल एम्प्लॉय इन ए अपॉन, तो टोटल एम्प्लॉय ने, टोटल एम्प्लॉय ने ये कितना दिया मुझे, बस खत्म बात. देखो अगर मेरे पास ए में टोटल 2 है और फीमेल है ए, तो ये मेरे पास फीमेल है, फीमेल इन ए टू टोटल एम्प्लॉय इन ए, यानी मुझे क्या दिया है वाई अपॉन 2x इज इक्वल टू 1/3, यही तो है. देखो उसने क्या बोला, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, ए टोटल एम्प्लॉय इन ए, यानी ए में फीमेल कितनी है वाई, सो वाई अपॉन एक्स कितना आ गया मैं 2/3. चलो कुछ तो मुझे पता चला एटलीस्ट. क्या दिया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ए एंड बी, सो मेल एम्प्लॉय इन ए अपॉन मेल एम्प्लॉय इन बी, ये मुझे फाइंड आउट करना है. लग रहा है देखने में बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत वेल बिल्डेड क्वेश्चन है ये, मतलब दैट इज नॉट द क्वेश्चन आपने आए किया और चल लिया, कि नहीं ये ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं. यू हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सेट्स, बिकॉज दीज आर सम स्पेशल टाइप क्वेश्चन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन विच आई गॉट फॉर यू टूडे. बिकॉज वाई आई एम सेइंग स्पेशल टाइप, लुक एट द स्टेटमेंट, वी डोंट हैव वेरी क्लियर एविडेंस अबाउट एनी स्टेटमेंट. हमारे पास कोई क्लियर एविडेंस नहीं है कि हम किस में क्या लगा सकते हैं, बट वी हैव टू इम्प्लाई ऑल द इक्वेशंस. हमें यहाँ पे सब इक्वेशंस को इकट्ठा करना है. सबसे पहले समझिए बात, देखो फीमेल इन ए अगर 2x में से मैं y हटा दूं, यानी टोटल में से मैंने फीमेल हटाई, मेल आ गई, यहाँ पे कितना है 3x माइनस ऑफ 2y, ठीक है बेटा. x कॉमन ले लो सर, 2 माइनस y अपॉन x अपॉन 3 माइनस 2 ऑफ y अपॉन x, ये है मेरे पास फिलहाल सिनेरियो. क्लियर आ गई बात. चलिए तो y अपॉन x कितना है मेरे पास 2/3, यानी कितना है 2 माइनस 2/3 अपॉन 3 माइनस 2 इंटू 2/3, तो ये कितना आ गया मेरे पास 6 माइनस 4, और 6 माइनस 2 4/3 अपॉन 3 × 6 6 3 × 9 माइनस 4 5/3, तो आंसर इज 4/5 ऑप्शन नंबर सी. क्लियर, दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 64 बॉयज एंड 40 गर्ल्स फॉर्म अ ग्रुप ऑफ सोशल वर्कर ड्यूरिंग देयर मेंबरशिप ड्राइव, द सेम नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ज्वाइन द ग्रुप. सो बॉयज गर्ल्स हाउ मच 64 और गर्ल्स कितनी है 40. हाउ मेनी मेंबर्स डज द ग्रुप हैव नाउ. मैंने माना भाई 64 प्लस पी और ये कितना है 40 प्लस पी. मैं कहता हूँ पी नंबर ऑफ जो मेरे पास वर्कर थे उन्होंने आए होंगे वो, या सॉरी स्टूडेंट्स, तो ये कितना होगा 4:3. सिंपल है 64 प्लस पी अपॉन 40 प्लस पी इज इक्वल टू 4/3, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई देम. सो 192 प्लस 3p इज इक्वल टू 160 प्लस 4p, ठीक है. सो 192 3p माइनस 4p माइनस 3p इज हाउ मच पी, और 192 माइनस 160 इज हाउ मच 32, तो p की वैल्यू 32 होगी. तो मेरे पास अभी कितने हैं 64 प्लस p यानी 32 प्लस 40 यानी प्लस 32, ये कितना होगा 104 प्लस 64, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर है 168 इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन, ठीक है. चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके
थ्री नंबर्स आर इन द रेशो 1/4 रेशो 5/9 रेशो 7/12. द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 180. फाइंड द सम ऑफ ऑल द थ्री नंबर्स. देखिए मुझे क्या दिया, 1/4 रेशो 5/9 रेशो 7/12. ये है मेरे पास द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर. सबसे पहली बात इसका एलसीएम लीजिए, क्या 36 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है. इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36 ये कितना हो गया, 3 4 और 9, तो 9 रेशो 20 रेशो 21 ये आ गया मेरे पास. सिंपल. वो क्या कह रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट, यानी इसका डिफरेंस कितना, 21 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना, 12. 12 की वैल्यू कितनी दी है, 180. कितने टाइम्स, 15 गुना. फाइंड द सम ऑफ ऑल द थ्री नंबर्स. तो सम कितना हो गया भाई, 20 30 50. सो 15 इंटू 15 इज हाउ मच, 750 इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है. चलिए नेक्स्ट पे चल रहा हूँ मैं. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखिएगा इसका. द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन थ्री सेक्शंस ऑफ ग्रेड 10 इन अ स्कूल आर इन द प्रपोर्शन 3 रेशो 5 रेशो 8. इफ 15 30 एंड 15 मोर स्टूडेंट आर एडमिटेड इन थ्री सेक्शंस रिस्पेक्टिवली द न्यू प्रपोर्शन बिकम्स 4 रेशो 7 रेशो 9. द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बिफोर द न्यू एडमिशन इज. अब देखो पिछले क्वेश्चन में 2 की बात की गई थी बट इसमें अब 3 की बात है. देखते हैं. मैं कहता हूँ भाई पहले ए सेक्शन है, फिर वी हैव बी सेक्शन, देन वी हैव सी सेक्शन. पहले सेक्शन में कितने, 3 5 एंड 8. ये कंडीशन 1 है मेरी. इसमें कितना जुड़ा है, 15. कितना जुड़ा है, 30. यहाँ कितना जुड़ा है, 15. ठीक है जी. अब कंडीशन 2 क्या कह रही है मेरी, ये रेशो कितनी होगी, 4 रेशो 7 रेशो 9. अब कैसे करेंगे सोच के देखो. ट्राई टू गेट अ पॉइंट. हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन नाउ, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज डन, क्वेश्चन हो चुका है, बट यू हैव टू मेक एन अप्रोच. हाउ विल यू अडेप्ट दिस क्वेश्चन और हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. लेट मी हियर, 1 यूनिट इंक्रीज इन A, 2 यूनिट इंक्रीज इन B एंड 1 यूनिट इंक्रीज इन C, isn't it? सोचिए क्या A, B और C में यही हो रहा है. देखो अगर C में 1 यूनिट का इंक्रीमेंट आ रहा है तो 15 बढ़ रहा है, A में आ रहा है तब भी 15 बढ़ रहा है. 2 की वैल्यू 30, यानी अगर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, साफ साफ 15. बात खत्म, इतनी सी बात खत्म. तो मुझसे क्या पूछ रहा है भैया, 8 5 13 3 16, तो 16 × 15 कितना हो गया मेरा, 240. कुछ है ऐसा ऑप्शन में बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है. तो बताइए कैसा लगा आज का सेशन, मुझे तो पता बढ़िया लगेगा एकदम. तो भैया प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ लेटेस्ट क्वेश्चन. दीज आर लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन विच विल डेफिनेटली कम इन एग्जाम, आई मस्ट इंश्योर, बता रहा हूँ मैं. और इसी से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बैच में भी करवाए देंगे जब आप हमारे साथ जुड़ोगे. कैसे जुड़ोगे बता देता हूँ अभी. वी ऑलरेडी स्टार्ट अ बैच फ्रॉम 10th of July. 2-3 क्लासेज में ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है. बट इज द टाइमिंग, 3 से 4:30 इस बैच की टाइमिंग है, 4:30 से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है. 4 दिन आपकी क्लासेज रहेंगी. टोटल नंबर ऑफ लेक्चर इज 180 लेक्चर्स, 180 लेक्चर्स रहेंगे आपके पास. आपको क्या मिल रहा है, 90 सेशंस आपको मिलेंगे इन क्लास, मतलब 50 क्वांट के सेशन मिलने वाले धमाकेदार, जिसे मैं ही पढ़ाऊंगा. आपने वे ऑफ टॉकिंग देख रहे हैं, आप वे ऑफ सॉरी टीचिंग देख रहे हैं, माफ कीजिएगा. 25 लॉजिकल के हैं और 15 आपके पास इंग्लिश के लेक्चर्स मिलेंगे आपको. ठीक है, आई थिंक मोर देन सफिशिएंट, बहुत सारा डाटा तैयार हो जाएगा. प्रीवियस ईयर के 15 लेक्चर्स मिलेंगे आपको. MCQ प्रैक्टिस के 50+ लेक्चर, 50+, बहुत प्रैक्टिस होने वाली है आपके हमारे साथ. लाइव मेंटरशिप सेशन के, मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है यार सीसेट के लिए, बहुत ज़्यादा. 30+ वीकली डाउट सेशन मिलेगा आपको जूम पे, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो क्वांट का हो. तो ये आपको मिलने वाला है. ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है आपके लिए, माइक्रो कोर्सेज. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट.
दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। देखिए क्या है इसमें, मेरे पास इसमें होता क्या है, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कोई पार्ट आपको लगता है आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं है, सपोज कीजिए जैसे रेशो प्रोपोर्शन पढ़ा, आपको लगा कि रेशो प्रोपोर्शन थोड़ा सा मेरा वीक पोर्शन चल रहा है, आई हैव टू इम्प्रूव दैट, तो आपको पूरा कोर्स कहीं से लेना पड़ेगा। सो उसका भी समाधान अभिमीडिया के पास है, अभिमन्यु के पास है, बिकॉज 25 साल से अभिमन्यु आई एस एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए हर साल अलग अलग तरह के नए नए रैंक के बच्चे हमारे पास आते हैं और सिलेक्शन लेते हैं। कहने का मतलब है सिलेक्शन लेके रैंक लेते हैं, रैंक वाले बच्चे नहीं आते, यहाँ पे बच्चे आते हैं फिर वो रैंक लेके यहाँ से जाते हैं, ठीक है, थोड़ा गलत मत समझिएगा बात को, ठीक है, रैंक वाला बच्चा भाई पहले सिलेक्ट हो चुका है, वो क्यों आएगा कोचिंग लेने कहीं पर, ठीक है, बट हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो रैंक होल्डर ही बन के जाते हैं, ऐसे कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। चलिए अब देखिए, जैसे मैं बात करूँ माइक्रोवर्स सी सेट, देखिए अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी हो, कोई भी क्वेरी हो, तो यहाँ पे 10 जीज का मोबाइल नंबर डालिए, कॉल मी या व्हाट्सएप, जो आप कहेंगे आप कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन, सारी वीडियोज़ और PDFs ऑलरेडी अपलोडेड होती हैं, ऑलरेडी मतलब अपलोड होती हैं लेक्चर के बाद, ठीक है। आप देखिए वी आर बेसिकली 3 सेक्शंस, जैसे मैथ और मेंटल एबिलिटी की बात करूँ, और आपको एक और चीज़ बताऊँगा, पूरा कोर्स है 3657 का, अगर क्वांटिटेटिव लेना चाहें, जैसे नंबर सिस्टम है 21.88% क्वेश्चन इन मैथ एंड मेंटल एबिलिटी वर्म फ्रॉम दिस टॉपिक इन प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स, मैं बात करूँ 10 लेक्चर से 318 रुपये का है सिर्फ, 9 वेब नोट्स और ऑलमोस्ट 400 क्वेश्चंस हैं, सारे प्रीवियस ईयर के डिटेल सोल्यूशन आपके पास। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, सिंप्लीफिकेशन, 15.5% क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आए हैं, पिछली बार तो ज़्यादा क्वेश्चन थे नंबर सिस्टम से, ऑलमोस्ट आपका 50% का करीब, 50% तो नहीं मतलब ऑलमोस्ट 20+ क्वेश्चन थे, तो 25% से ज़्यादा पार्ट आपका सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम ने कवर किया था, ध्यान रखिएगा। ऐसे जैसे परसेंटेज या पर हर काम मुझे डेटा दिया होगा भाई, कितने परसेंट क्वेश्चन कहाँ से आए, ठीक है, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, एवरेज, तो सब पार्ट है अवेलेबल जो आपको चाहिए। सो प्लीज़ 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 अवेल दैट, जो भी आपको लिंक चाहिए वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, थैंक यू। और नया बैच 10 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं ऑलमोस्ट, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगी आपको, या लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको, थैंक यू।